हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आज करंट अफेयर की क्लास मैं लेने वाला हूं, क्योंकि अमू सर कुछ काम के कारण, हेल्थ इशू के कारण गए हुए हैं, जिस कारण से आज उनकी क्लास नहीं हो पाएगी। तो आज डेली की जो क्लास उनकी चलती है वो आज क्लास कल साथ में ले लेंगे, यानी आज की 1 तारीख की क्लास और 2 तारीख की क्लास एक साथ ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, आज उस क्लास को छोड़ सकते नहीं है, तो उसकी जगह में एक टॉपिक उठाएंगे। उस टॉपिक का नाम हमारा क्या है, ऑस्कर अवार्ड्स, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार हम क्या करेंगे उसका जिक्र करेंगे। तो आज अपना टॉपिक दूसरा क्या रहेगा, हमारा ऑस्कर पुरस्कार रहेगा। हम सीखेंगे ऑस्कर पुरस्कार जो 2022 में दे रखा है, ये हमारा एक साल के लिए करंट अफेयर में काम करेगा। तो इस ऑस्कर पुरस्कार को हम क्या करेंगे, देखेंगे। और इसमें इस हर एग्जाम में ये मानो कि अवार्ड से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये हमारा क्या है, ऑस्कर पुरस्कार, इसकी हम बात करेंगे। तो ऑस्कर अवार्ड्स 2022 की बात करें, यानी अभी लेटेस्ट अभी का हाल ही का हुआ है। ऑस्कर पुरस्कार के लिए हम बात करें तो सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार पहला क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और साथ ही साथ फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये क्या है, सर्वोच्च, यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार। तो सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखेंगे फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार हमारा कौन सा है, ऑस्कर पुरस्कार है। ठीक है, बात करेंगे इसकी, ऑस्कर पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑस्कर पुरस्कार को अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्कर पुरस्कार को हम अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे इस बार 2022 में ऑस्कर पुरस्कार दिए गए, इसका एडिशन कौन सा था, संस्करण कौन सा था, याद रखेंगे 94। इस बार जो ऑस्कर पुरस्कार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि 2022 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था, याद रखेंगे 94। इसके बाद में बात करेंगे इसकी स्थापना कब की गई, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे 16 मई 1929 को, 16 मई 1929 को इसकी स्थापना होती है। साथ ही साथ ये देता कौन है, इस पुरस्कार को देता कौन है, तो याद रखेंगे इस पुरस्कार को देने वाली जो, उसका नाम क्या, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, याद रखेंगे ऑस्कर पुरस्कार कौन देता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। और साथ ही साथ किस स्थान से दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है, याद रखेंगे अमेरिका से दिया जाता है। अमेरिका में एक स्टेट पड़ता है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में एक हमारा सिटी पड़ता है लॉस एंजलिस, याद रखेंगे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए से ये पुरस्कार दिया जाता है। और देने वाली संस्था का नाम क्या, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ये तो इसकी बात हो गई कि इसकी स्थापना कब हुई, इस बार कौन सा संस्करण था, कौन देता है, किस देश से दिया जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं और किस क्षेत्र में दिया जाता है। बात करेंगे कि इस बार सबसे बेस्ट मूवी कौन सी रही, बेस्ट मूवी, तो याद रखेंगे इसमें दो मूवियां होती हैं, एक तो इंटरनेशनल होती है, तो याद रखेंगे बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड इस बार किसने जीता, याद रखेंगे किसने जीता, जीता ड्राइव माई कार, ये एक जापान की मूवी है, इसे इस बार ऑस्कर पुरस्कार में कौन सा मिला, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस बार किस फिल्म को मिला, ड्राइव माई कार, ये कहाँ की मूवी है, याद रखेंगे जापान की मूवी है। इसके बारे में बात करेंगे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला, याद रखेंगे कोडा को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। ठीक है, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की बात करेंगे ड्राइव माई कार जापान की है, बेस्ट पिक्चर की यदि हम बात करें तो बेस्ट पिक्चर हमारी कौन सी है, कोडा, याद रखेंगे। और अगली फिल्म हमारे पास बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की यदि हम बात करें, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म इसे किसे मिला, द लॉन्ग गुड बाय, द लॉन्ग गुड बाय।
तो याद रखेंगे बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड किस फिल्म को मिला, ड्राइव माई कार, जो कि जापान की है। बात करेंगे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किससे मिला, कोडा को मिला। और बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड इस बार किसे दिया गया, द लॉन्ग गुड बाय। ये हमारा था ऑस्कर मूवी। तो ऑस्कर मूवी की बात करेंगे, जो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। बात करेंगे इस बार कौन सा एडिशन था, 94th। स्थापना इसकी कब होती है, 16 मई 1929 को, 1929 को। देता कौन है, एक्शन ऑफ एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। किस स्थान से दिया जाता है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए से दिया जाता है। बेस्ट फिल्म की बात करें, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की बात करें, ड्राइव माई कार, जो कि जापान की है। बेस्ट पिक्चर की बात करें, कोडा। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की बात करें, द लॉन्ग गुड बाय। और इस ऑस्कर पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है, एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता। यदि हम बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करें तो वो कौन सा, एनकेंटो। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करेंगे तो एनकेंटो को अवार्ड मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें, नो टाइम टू डाई। बात करेंगे भारत की तरफ से कौन सी मूवी गई थी, भारत की तरफ से जाने वाली मूवी थी राइटिंग विद फायर, लेकिन ये कैसी रही, असफल रही, इसे कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो भारत की तरफ से जाने वाली मूवी पूछा जा सकता है, बताना राइटिंग विद फायर। अगला क्वेश्चन, इस बार सबसे ज्यादा अवार्ड किसे मिला, इस बार सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाली कौन सी मूवी है, तो याद रखेंगे ड्यून। इस बार सबसे ज्यादा इसे अवार्ड मिला, कितने अवार्ड मिले, 6 अवार्ड, ये याद रखेंगे। बात करेंगे बेस्ट एक्टर की बात करेंगे कि इस बार बेस्ट एक्टर कौन सा रहा, तो बेस्ट एक्टर रहा विल स्मिथ। याद रखेंगे बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो विल स्मिथ। और किस मूवी के लिए, किंग रिचर्ड। ये मूवी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बस ये याद रखना बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार किसे दिया गया ऑस्कर पुरस्कार में, याद रखेंगे विल स्मिथ को। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे, एक्टर याद रखेंगे विल स्मिथ, और एक्ट्रेस की बात करेंगे जेसिका चेस्टन, विल स्मिथ, जेसिका चेस्टन। बेस्ट डायरेक्टर के लिए हम बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर हमारा कौन है, जैन कैंपियन। एक्टर याद रखेंगे विल स्मिथ, डायरेक्टर की बात करेंगे कैंपियन को आप चैंपियन भी याद रख सकते हैं। और बात करेंगे एक्ट्रेस तो जेसिका चेस्टन। बात करेंगे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, कभी कभी पूछा जा सकता है, तो बेस्ट सपोर्टिंग बात करेंगे ट्राई याद रखेंगे। और बात करेंगे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करेंगे तो एरियाना। यहाँ पर अगर बेस्ट एक्टर की बात करेंगे विल स्मिथ जेसिका चेस्टन, ये बेस्ट क्या है, एक्टर एक्ट्रेस। बात करेंगे सपोर्टिंग की बात करेंगे ट्राई और एरियाना। ठीक है, तो बेस्ट अगर एक्टर की बात करें विल स्मिथ हो जाएगा। और इसके बाद में बेस्ट हम एक्ट्रेस की बात करेंगे तो बेस्ट एक्ट्रेस हमारे पास क्या रहेगा, जेसिका चेस्टन। और यदि हम सपोर्टिंग की बात करेंगे तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करेंगे तो एक्टर हमारे पास ट्राई रहेगा। और बात करेंगे एक्ट्रेस की एरियाना, और डायरेक्टर की बात करेंगे जैन कैंपियन। ये मूवी याद रखो तो अच्छी बात है, बाकी मूवी बहुत कम पूछी जाती है। एक बार जल्दी से देखेंगे, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म एनकेंटो, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करेंगे नो टाइम टू डाई, भारत की तरफ से जाने वाली मूवी राइटिंग विद फायर, इस बार सबसे ज़्यादा अवार्ड किस मूवी को मिला, ड्यून को कितने, 6 मिले। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे विल स्मिथ हो जाएगा। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें जेसिका चेस्टन। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे जैन कैंपियन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करेंगे ट्राई हो जाएगा। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की यदि हम बात करें एरियाना देवोस हो जाएगा। तो ये हमारा रहा आज का अपना ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को कवर किया गया है। आपको इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम यानी कि ट्राई स्टार में मिल जाएगा। साथ ही साथ आज जो इसकी क्लास की गई, आप यदि आप अपने आप को जांचना चाहते हैं कि हमें कितना याद हुआ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर इससे संबंधित हम क्विज कराएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपका स्वागत है, क्विज जरूर कीजिए। क्विज से ये पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है।
आज की क्लास में कितना याद हुआ ये सी चीज पता चल जाएगी। अच्छा बात करेंगे, दो चार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए बेस्ट मूवी कौन सी हमारी रही इस बार, इंटरनेशनल मूवी कौन सी रही, ड्राई माई कार बेस्ट, अगर फिल्म की बात करें, बेस्ट मूवी की बात करें, बेस्ट पिक्चर की बात करें तो बताया था कोडा, बताया था या नहीं बताया था। भारत की तरफ से कौन गई फिल्म, तो भारत की तरफ से कौन गई थी हमारे, बताइए भारत की तरफ से विद फायर गई थी, फायर गई थी। इसके बाद में बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो स्मित हो जाएगा, एक्ट्रेस की बात करेंगे जेसिका हो जाएगी, और बात करेंगे हम सपोर्टिंग एक्टर की बात करेंगे तो सपोर्टिंग एक्टर हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग हो जाएगा ट्राई। बात करेंगे सपोर्टिंग एक्ट्रेस की, एरियाना हो जाएगी। सबसे ज़्यादा फिल्म इस बार अवार्ड किसे मिला, ड्यून को कितने मिले, 6 मिले। इस प्रकार से उम्मीद है कि आज की क्लास समझ आई होगी और याद भी हो गया होगा, और अपनी अपने आप को जांचने के लिए हमारे टेलीग्राम ट्राई स्टार में आइए, वहाँ पर स्वागत है। साथ ही साथ इसके हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे, इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।